तो डेटाबेस में हम बात कर रहे हैं आज डेटाबेस और टेबल कैसे क्रिएट करेंगे एसक्यूएल सर्वर में। तो हमने यहाँ एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो जो कि पिछले वीडियो में बताया था कि हम डाउनलोड कैसे करेंगे, हमने डाउनलोड कर लिया हुआ है और स्टूडियो में हम आने के बाद अपना जो सर्वर है वो भी कनेक्ट कर लिया है। जब ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से पॉपअप आएगा, इसमें अपने सर्वर को आप देखें कौन सा सर्वर है आपका, ब्राउज करें। अगर विंडो एप्लीकेशन है तो कोई बात नहीं, अदरवाइज पासवर्ड वो डाल के आप कनेक्ट करेंगे, थोड़ा सा टाइम लेगा और आपका कनेक्ट हो जाएगा। तो इसमें कई सारे पार्ट है, जैसे कि डेटा है, डेटाबेस है, सिक्योरिटी है, सर्वर ऑब्जेक्ट है, रिप्लेसेशन है, पॉलीबेस है, मैनेजमेंट है, इवेंट प्रोफाइलर है। तो इन सबों के बारे में अभी हम नहीं सोचते, हम बात करते हैं डेटाबेस के बारे में। तो आप देखेंगे मेरे पास ऑलरेडी दो डेटाबेसेस है, AUG और DT। AUG के अंदर में ऑलरेडी मेरे पास कुछ टेबल्स है, इस पर क्लिक करके देख सकता हूँ भाई दो टेबल मेरे पास अवेलेबल है, इसमें क्या क्या फील्ड है, ये फील्ड भी कॉलम जो क्या क्या कौन सा कॉलम्स है, किस किस टाइप का कॉलम्स है वो यहाँ पे आ रहा है। उसके अलावा हम DT की बात करें तो यहाँ भी आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास ऑलरेडी डेटा और डेटा सीट 1 है, लेकिन ये तो बना हुआ है। अगर आपको कोई नया डेटाबेस बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, बिल्कुल न्यू डेटाबेस। तो इसको दो आप क्यूरी से भी क्रिएट कर, न्यू क्यूरी पे जाके आप कोडिंग एसक्यूएल कोडिंग करके भी लिख सकते हो और उसकी जरूरत नहीं है आप जो है नया डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं इस पर राइट क्लिक करके। राइट क्लिक करके आप यहाँ पे दोनों बताएंगे आपको। तो पहले हम बात कर रहे हैं कोई डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या है। तो न्यू डेटाबेस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। न्यू डेटाबेस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने आ गया न्यू डेटाबेस। इसमें आपको सबसे पहले डेटाबेस नाम देना होगा, तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ IPT। सिंपल हमने IPT के नाम से लिख दिया। अब इसमें क्या क्या हो सकता है, वो चीज़ें यहाँ पर आ गई हुई है और यहाँ पर आपको ऐड करना है और ओके करना है। यहाँ पे फाइल नेम वाज इंपोर्टेड, अच्छा इसमें है तो इसको रिमूव कर दीजिए। एक बाय डिफॉल्ट ब्लैंक ले लेता है, जब भी आप ऐड करते हैं ना ये नीचे चला जाता है। यहाँ पर कई साल एक साल कई डेटाबेस अब ऐड कर सकते हैं इसलिए। फिर यहाँ पे हम ओके करते हैं, तो ओके करने के बाद देखिए IPT नाम का डेटाबेस क्रिएट हो गया है। तो जैसे डेटाबेस क्रिएट हुआ है, अब इसके अंदर डेटा आपको डालना है। तो डेटा हम तीन तरीके से डालते हैं, पहला कि आपको इंपोर्ट करना होता है, तो राइट क्लिक यहाँ पे डेटाबेसेस पे राइट क्लिक करके आप जो है टास्क इंपोर्ट डेटा पे जाके आप इंपोर्ट कर सकते हैं, जो कि हमने प्रीवियस क्लासेस में इसे डिस्कस किया था और यहाँ एक बार और मैं करके दिखा रहा हूँ। तो पहला है आप फाइल को डायरेक्ट इम्पोर्ट कर सकते हैं, तो कहाँ से करना है, तो हमें करना है एक्सेल से। लेकिन मेरे सिस्टम में एक्सेल 2010 का डेटा नहीं है, तो मैं जो पुराना डेटाबेस है 2003 XLSX को ही कर रहा हूँ। ओपन करने के बाद जैसे आप ओपन पे क्लिक करूँगा तो ये XLSX है। XLSX के लिए फिर मुझे यहाँ इसका जो 2010 का जो पैच है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। कैसे डाउनलोड करेंगे वो भी हम आपको समझाएंगे। फिर मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट करने के बाद अब आता है कि डेटा आपको भेजना का है, एक्सेस में भी भेज सकते हैं, कहीं भी भेज सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे चूज किया हुआ है SQL। सबसे नीचे में आइए SQL ओली DB प्रोवाइडर फॉर SQL सर्वर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही आपका यहाँ पे सर्वर आएगा, कौन सा सर्वर में करना है आप चूज भी कर सकते हैं। फिर आपका यहाँ पे विंडो एप्लीकेशन है या आप यूजर नेम पासवर्ड वो डाल सकते हैं। यहाँ पे डेटाबेस कौन से डेटाबेस, क्योंकि मेरे पास तीन डेटाबेसेज है तो तीनों डेटाबेस को यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हम नेक्स्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे कॉपी डेटा 1 एंड मोर टेबल फॉर व्यू और इसी को सिलेक्ट करते हैं जनरली हम, और कौन सा शीट चाहिए तो डेटा शीट चाहिए हमने सेलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट अभी चाहिए, बाद में कोई पैकेज वगैरह करना है हमने अभी चालन करना है, हमने फिनिश कर दिया। तो कुछ ही सेकेंड्स में यहाँ 792 रो ट्रांसफर हो गया और सक्सेसफुल दिखा रहा है, कोई एरर इसमें नहीं दिखा रहा है, सब सही चल रहा है। और यहाँ पे हमने कॉपी कर दिया। अब ये इसके अंदर में मेरा टेबल आ जाएगा, बस आपको थोड़ा सा रिफ्रेश करना पड़ेगा इसको रिफ्रेश। अब टेबल्स में जाके देखेंगे तो डेटा नाम का टेबल आ गया।
पहली चीज। अब दूसरी तरीका है कि अगर मुझे टेबल, खुद का टेबल क्रिएट करना है, मैं खुद का टेबल क्रिएट करना चाहता हूँ और फिर मैं उस किसी और तरीके से डेटा एंट्री करवाऊंगा, तो आपको टेबल पे क्लिक करके न्यू टेबल्स पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ एक इंटरफेस आपको खुल के आएगा जहाँ पे कॉलन, डेटा टाइप और ब्लैंक अलाउ है कि नहीं है आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बोला यहाँ पे एक सीरियल नंबर और डेटा टाइप हमने बोला कि यहाँ पे नंबर करेक्टर है, यहाँ पे आप अपने हिसाब से दे भी सकते हो कि भाई एन टेक्स्ट होगा या न्यूमेरिक होगा, एन करेक्टर होगा, रियल नंबर होगा। तो ये सारे डेटा टाइप्स हैं और डेटा टाइप क्या क्या होते हैं हम आपको आगे क्लास में बताएंगे। तो फिलहाल हम एन कैर लेके चलते हैं। हम यहाँ पे नेम, अब एन कैर नेम में 10 लेटर तो नहीं होता, ज़्यादा होता है ना, तो यहाँ पे एन वैल कैल 50 डाल देंगे तो बेटर होगा। अच्छा एन कैल के अंदर ही यहीं पे मैं अपना 50 लेटर डाल देता हूँ। अब जैसे कि यहाँ पे अलाउ नल्स है क्योंकि सीरियल नंबर में अलाउ नल्स नहीं होने चाहिए, तो यहाँ हमने कर दिया। तो ब्लैंक नहीं चाहिए तो आपको यहाँ से अनचेक करने होंगे। नेम, सिटी सेम, यहाँ पे 10 के जगह पे हमें स्टेट, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो, 10 की जगह पे हम यहाँ पे 50 कर देते हैं। इसके बाद आता है सिटी के बाद आता है अमाउंट, अमाउंट इन कैर ना रख के मैं यहाँ पे न्यूमेरिक सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ और कुछ भी दे सकता हूँ, फिलहाल इतना रहने देता हूँ। उसके बाद जो है इसको यहाँ से हम क्लोज करेंगे, यस कीजिए। टेबल वन चाहिए तो यहाँ पे हमने लिख दिया SL अमाउंट या कुछ और भी कर सकते हैं, लेकिन स्पेस डॉट वगैरह टेबल नेम में ना देने की कोशिश कीजिएगा वरना दिक्कत होगा। अब देखिए यहाँ पे आपके पास, ये रिफ्रेश कीजिएगा एक बार तो दो टेबल बन जाएंगे। मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो यहाँ देखिए एसएल नाम का टेबल बन चुका है, तो दो टेबल यहाँ बन चुका है। अब इसकी एसएल के अंदर डेटा एंट्री करनी है तो राइट क्लिक कीजिए और यहीं पे कीजिए एडिट टॉप 200। हालांकि इसको हम क्यूरी से भी कर सकते हैं तो अगली वीडियो में हम क्यूरी से बताएंगे। इसे राइट क्लिक करके हमने यहाँ पे कर दिया एडिट 200 रोज। अब ये देखिए आपके सामने आ गया सीरियल नंबर, नेम, सिटी, अमाउंट। अब यहाँ पे एंट्री करते जाइए तो वन पूजा पुणे अमाउंट 5000, फिर टू नीतू कविता 6000, इसी तरह से थ्री मोहन इंदर 5000। तो इस तरह से हम डेटा एंट्री मैनुअल कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि ये तो हमने मैनुअल की, तो हमने दो चीज़ की, एक तो डेटा इंपोर्ट किया पहला, दूसरा हमने यहाँ पे मैनुअली टेबल क्रिएट करके यहाँ पे डाल। तो इसकी प्रैक्टिस आप कर लीजिए। अगली वीडियोज में हम बात करेंगे कि हम क्यूरी के जरिए किस तरह से टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, इसके अंदर डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, टेबल क्रिएट कर सकते हैं और इसकी जो एंट्री है हम किसी और एप्लीकेशन से कैसे ले सकते हैं, ये हम अगली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी पूरी मेरे ऐप पे जाइए जहाँ पे पूरी SQL सर्वर की वीडियो आपको मिलेगी, जहाँ से आप देख सकते हैं थोड़ी सी नॉमिनल फीस पे। कोई भी डाउट हो मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।